बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान अफेयर्स लेक्चर सीरीज में आज हमारा दूसरा लेक्चर है और हम इम्पोर्टेंट इवेंट्स फ्रॉम 7/12 से ऑनवर्ड जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। और आज हम 16/05 से ऑनवर्ड जो हमारे इम्पोर्टेंट इवेंट्स हैं उन पे एक नज़र डालेंगे। तो हम इसे शुरू करते हैं 1706 में। जो है 1705 में डेथ ऑफ अकबर हुई एंड एक्सेशन ऑफ जहांगीर। अकबर की डेथ हो गई और उसका बेटा जहांगीर जो है उसने तख्त संभाल लिया। उसके बाद 1616 में फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंग्लैंड सर थॉमस रो जो हैं उन्होंने इंडिया विजिट किया और उस वक्त जो है वो जहांगीर जो है वो रूल कर रहे थे। यहाँ से दो तरह से सवाल पूछा जा सकता है कि फर्स्ट इंग्लैंड से जिन्होंने यहाँ पे विजिट किया उनका नाम बताएं, तो वो सर थॉमस रो हैं और उस वक्त मुगल एम्परर कौन थे, तो वो जहांगीर है और ये सवाल पूछा भी जाता है। उसके बाद 1628 में शाहजहां जो हैं वो एम्परर ऑफ इंडिया बन जाते हैं और शाहजहां जो है वो अपनी बिल्डिंग्स की वजह से, फेमस बिल्डिंग्स की वजह से और खास तौर पर जो है वो ताजमहल जो उन्होंने अपनी वाइफ मुमताज महल के लिए बनाया था उसकी वजह से बहुत जाने जाते हैं। और शाहजहां को मास्टर बिल्डर भी कहा जाता है मुगल अम्पायर में। उसके बाद 1634 में जो है इंग्लिश परमिटेड टू ट्रेड इन इंडिया और जो ब्रिटेन है, जो यूके के लोग हैं, इंग्लैंड वाले हैं, इनको जो है वो यहाँ पे तजारत करने की इजाजत मिल गई। उसके बाद 1642 शालीमार बाग और शालीमार गार्डन्स जो हैं ये शाहजहां ने बनवाए थे और ये 1642 में जो है इन्होंने बनाए थे। और ये सवाल पूछा जाता है कि शालीमार गार्डन जो है वो किसने तामीर करवाए थे, तो आंसर इसका शाहजहां। उसके बाद कंस्ट्रक्शन ऑफ ताजमहल जो है वो आगरा में हुई। 1632 से जो है ये स्टार्ट हुई थी और 1648 तक जो है वो ताजमहल बन गया था और ये जो है वो मुमताज महल के लिए शाहजहां ने बनाया था। 1658 में एक्सेशन ऑफ औरंगजेब हुई और शाहजहां जो है अब इम्प्रिजन हो गए और शाहजहां का बेटा है औरंगजेब और फिर तख्त की लड़ाइयों में जो है बादशाह बनने की ख्वाहिश में मुगल शहजादे जो हैं वो आपस में बहुत लड़ाइयाँ करते थे। इवन औरंगजेब ने अपने भाइयों को भी कत्ल किया और अपने ही बाप को जो है वो इम्प्रिजन कर दिया। और 8 साल तक जो है शाहजहां जिन्होंने ताजमहल जैसी अजीम एक बिल्डिंग जो है बनाई वो खुद 8 साल जो है फिर वो अपने ही बेटे में की कैद में जो है वो उनको जिंदगी के आखिरी अयाम जो है वो गुजारना पड़े। 1666 में फिर शाहजहां की डेथ हो गई। 1674 में अब बादशाही मॉस्क जो है वो लाहौर में बनाई औरंगजेब ने। ये सवाल भी पूछा जाता है कि बादशाही मॉस्क जो है वो किसने बनाई, तो ये औरंगजेब ने बनाई थी। और शाहजहां जो है पैदा हुए थे लाहौर फोर्ट में, जो लाहौर का किला है जो अकबर ने बनाया था वहां पे शाहजहां जो है वो पैदा हुए थे और वहीं पे जो है वो बादशाही मॉस्क भी है। तो ये जरा कंफ्यूजिंग हो जाता है क्योंकि ज्यादा बिल्डिंग्स जो है वो शाहजहां ने बनाई है, ज्यादा बादशाही मॉस्क जो है वो शाहजहां ने नहीं बनाई थी, वो औरंगजेब ने बनाई थी। 1703 इसमें इसके बाद जो है 1666 में जो है वो शाहजहां की डेथ हो गई और 1674 में बादशाही मॉस्क जो है वो औरंगजेब ने बनाई और 1703 में शाह वलीउल्लाह पैदा हुए। 1707 जो है औरंगजेब की भी वफात हो गई। 1739 में नादिर शाह ने जो है वो इंडिया पे हमला किया। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई जिसमें ब्रिटिश पॉलिटिकल रूल जो है बंगाल में एस्टैब्लिश हो गया और लॉर्ड क्लाइव ने एडमिनिस्ट्रेटिव जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी उनको संभाल लिया। 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुई और उस वक्त मुगल एम्परर जो है वो शाह आलम टू थे। 1763 में शाह वलीउल्लाह की भी डेथ हो गई और 1764 में बैटल ऑफ बक्सर हुई और इसमें जो है ये ब्रिटिशर्स और मीर कासिम के दरमियान में हुई। 1765 में जो है क्लाइव अपॉइंटेड कंपनीज गवर्नर इन इंडिया। 1767 से 69 तक
मैसूर की पहली लड़ाई जो है वो लड़ी गई 1768 में, हाजी शरीयतुल्ला फाउंडर ऑफ फराइजी मूवमेंट जो है वो पैदा हुए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों तरह से पूछा जाता है कि फराइजी मूवमेंट जो है वो किसने शुरू की, और या फिर जो है हाजी शरीयतुल्ला जो है उन्होंने कौन सी मूवमेंट जो है वो उसको स्टार्ट किया, तो वो फराइजी मूवमेंट है। 1780 से 84 तक जो है मैसूर की दूसरी लड़ाई हुई। 1784 में पेट्स इंडिया एक्ट आया, और इसका मकसद जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी की मैनेजमेंट और इसकी एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाना था, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस थे उसमें। 1786 में सैयद अहमद शहीद जो है वो पैदा हुए। 1790 से 1792 तक मैसूर की तीसरी लड़ाई हुई अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के दरमियान। 1799 में फोर्थ मैसूर वार हुई जिसमें टीपू सुल्तान जो है वो शहीद हो गए। 1800 में सिखों ने जो है 1800 में सिखों ने जो है वो पंजाब पे जो है कब्जा कर लिया, पंजाब को फतह कर लिया। और सेम उसी साल में, ये बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है, ये उर्दू में भी सवाल पूछा जाता है और पाकिस्तान अफेयर्स में पूछा जाता है, फोर्ट विलियम कॉलेज जो है वो कब बना, तो ये 1800 है। 1817 सर सैयद अहमद खान जो है वो पैदा हुए, और सर सैयद अहमद खान जो है 1898 में उनकी वफात हुई थी। 1818 में सैयद अहमद शहीद ने जो है वो सिराते मुस्तकीम बुक लिखी। 1828 में फराइजी मूवमेंट जो अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं, हाजी शरीयतुल्ला ने इसको शुरू किया। 1831 में सैयद अहमद शहीद हुए, और ये बालाकोट में जो है वो शहीद हुए थे। 1832 में उर्दू डिक्लेयर्ड एज ऑफिशियल लैंग्वेज। 1839 से 42 तक जो है फर्स्ट अफगान वार हुई। 1845 से 46 तक जो है वो फर्स्ट एंग्लो सिख वार हुई। 1846 में सर सैयद अहमद खान जो है वो चीफ जज बने, यानी जो सर सैयद अहमद खान है उन्होंने जो है वो ब्रिटिश रूल में जो है वो वहां पे एज ए ब्यूरोक्रेट जो है, या उसमें जो है वो सर्व भी किया, वो गवर्नमेंट सर्वेंट भी थे। 1846 में जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है वो कश्मीर को गुलाब सिंह के हाथों बेच दिया, और ये भी पूछा जाता है कि कितने में बेचा था, तो वो 7.5 मिलियन या फिर 75 लाख में जो है वो बेचा था। और जब पार्टीशन हुई थी उस वक्त कश्मीर में डोगरा राज था, और कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो महाराजा हरी सिंह के पास थी। 1847 में सर सैयद रोड इज फेमस बुक असारुल सनादीद। और इसके बाद 1848 में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स जो है वो आया, ये लॉर्ड डेलहाउजी जो है उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस कराया था, और इसका मकसद जो है अंडर विच अडॉप्शन ऑफ द सन बाय रूलर्स इन द एब्सेंस ऑफ देयर नेचुरल हीयर्स वाज बैंड, ये इस डॉक्ट्राइन का मकसद था। 1849 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उसने पंजाब पे कब्जा कर लिया, और 1857 में वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो है वो लड़ी गई, जिसे इंडियन म्यूटिनी भी कहते हैं। 1858 में ब्रिटिशर असेंडेड द इंडियन थ्रोन एंड द डायरेक्ट ब्रिटिश रूल वाज इम्पोज्ड, एंड इन 1859 सर सैयद एस्टैब्लिश्ड फर्स्ट स्कूल एट मुरादाबाद, एंड इन 1861 इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल्स एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो ये अभी हमारे पास, हमने 1605 से लेके जो है वो 1861 तक के इम्पोर्टेंट इवेंट्स जो है वो उनको देख लिया है, इनको अच्छे तरीके से मेमोराइज करें, और इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो टाइम एंड अगेन पाकिस्तान अफेयर्स में पूछे जाते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू।